नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की कि जिसका नाम ही बेशरम है और बेशरम के तमाम गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि ये पौधा आपके आसपास में है तो कितना गुणकारी है और इसके द्वारा आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आप तमाम जानकारी बेशरम से जुड़ी हुई आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जिसके नाम ही ऐसे हैं जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। इस पौधे का नाम है बेशरम, बेहा और थेथर। आज हम इसके बेशरम नामों के पीछे का कारण जानेंगे, कैसे दिलचस्प इसके नाम पड़े बेशरम, बेहा और थेथर। तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बेशरम पौधे के नाम की तरह ही ये पौधा भी दिलचस्प है और क्यों इसको इस खास नाम से पुकारा जाता है, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रकृति में हमें वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं और दुनिया की भांति भांति की चीजें, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां सब प्राकृतिक के द्वारा हमें दी हुई हैं। ईश्वर ने इन सब चीजों से हमें नवाजा है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सुनकर हमें हंसी ही नहीं बल्कि उन पे सोचने पर उनके लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेशरम, बेहा और थेथर के बारे में। इस पेड़ के विषय में अगर हम बात करें तो ये पेड़ कहीं पर भी पैदा हो सकता है। ये रेगिस्तान हो या बर्फमारी हो या फिर पानी के बीच में हो, ये कहीं पर भी सूखने का नाम नहीं लेता है और इसलिए इसको बेशरम कहते हैं। इसको अगर काट के भी सूखी लकड़ी को भी अगर आप पानी में डाल देते हैं तो वहां पर भी ये पेड़ जड़ें निकल आती हैं और कल्ले निकल आते हैं और इस प्रकार से फलवंत फूल और पत्तों से भर जाता है। दोस्तों, वहीं इस पौधे के लिए आपने तालाबों में, पोखरों में, नदियों किनारे और जल स्रोतों के किनारे देखा जरूर होगा। ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है, पुष्पित पल्वित होता है, इसलिए इसे बेहा और बेशरम भी कहते हैं। इसका पुष्प गुलाबी रंग का होता है, इसके फूल गुलाब जैसे होते हैं, इसलिए इसे गुलाबवासी भी कहते हैं। ये पौधा तो वैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन गाँवों में लोग इसे बड़ा काम का मानते हैं और जलाने के काम में भी आता है। इसका अन्य उपयोग भी जैविक कीटनाशक के रूप में भी इसे लाते हैं। इसका अगर हम बात करें गांव क्षेत्र में, क्या ग्रामीण इलाकों में इसकी पत्तियां, नीम की पत्तियां धतूरा के साथ गौमूत्र उबालकर फलों पर छिड़काव करने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कि फलों में, सब्जियों में इसको रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ जाती है और उसमें जो है वो कीटाणु, जो विषाणु होते हैं, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें चोटमार के पत्ते के इस्तेमाल के, तो इस पत्ते से अनेकों फायदे हैं। अगर चोट लग जाती है तो उसको गर्म करके बांधने से भी, तवे पे गर्म करके और कड़वा तेल लगाकर पत्ते को बांध के चोट का दर्द ठीक हो जाता है। वहीं मोच अगर पैर में आ जाती है और हाथ में आ जाती है तो भी उल्टा पत्ता करके कड़वा तेल लगा के गर्म करके बांधने से मोच में भी काफ़ी राहत देती है। वहीं अगर घाव हो जाता है तो छोटे मोटे घावों में भी पत्ते को पीसकर और बांधने से घाव भरना शुरू हो जाता है। वैसे तो इसको जानवर भी इसको नहीं खाते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो कड़वा होता है और इसलिए ये बेशरम है। साथ ही चर्म रोग में भी इससे काफ़ी फायदा होता है। बेहा यानी कि बेशरम का पत्ता चर्म रोग को ठीक करने के लिए भी इसको एंटी फंगल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और वहीं दांतों में अगर दर्द हो रहा है या मसूड़े फूल रहे हैं तो भी इसकी टहनी को चबाने से दांतों के दर्द में राहत मिलती है। वहीं साथियों, आपको बता दें ये जो बेशरम का पत्ता है इसके और भी कई फायदे हैं। त्वचा पर अगर कहीं पर भी फट रहा है या कट रहा है, उसमें भी कटे फटे बिच्छू काटने पे भी, डंक मारने पे भी इसके दूध को, पत्ते के दूध को लगा दें या फिर उसको घिस के और पीसने के बाद बांधें तो भी उसमें वह बिच्छू के जहर का भी असर कम हो जाता है और इसलिए इसको कई फायदों के लिए, इस पौधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने के लिए तो ये बेशरम और बेहा है, लेकिन इसके फायदे अनेकों हैं। आप सोच सकते हैं कि इस पौधे को कहीं पर भी खत्म कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये बेशरम है। हर वातावरण में ये हो जाता है, ये कुदरत की देन है, प्राकृतिक की ये देन है जो कि हमारे लिए फायदेमंद है।